हाय गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में हम सभी आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ में मेरा भांजा बैठा हुआ है, ये है मीत। मीत हाय बोलो। हाय। और ये जो बीच में बैठा हुआ है वो है प्रकल्प, मेरा बेटा। और सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस। और आज ही के दिन प्रकल्प का जन्म हुआ था, मेरे बेटे का, धनतेरस के दिन। तो आप सभी भी इसे हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं मीत के कुछ प्रश्नों की। मीत मुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता है, तो यहाँ पर मीत के जो प्रश्न हैं वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं आप भी वो चीज़ें जानना चाहते हैं। तो मीत की जो क्वेरी है इस वीडियो में मैं सॉल्व करूँगा, लेकिन उससे पहले खास निवेदन कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के खास वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम मीत की तरफ चलते हैं कि मीत का क्या प्रश्न है और फिर देखते हैं कि वो हमसे क्या पूछना चाहता है। हाँ मीत, बताइए आप क्या पूछना चाह रहे थे। क्या मामा, एक आदमी एक से अधिक YouTube चैनल बना सकता है? दोस्तों, मीत का जो प्रश्न है वो ये है कि क्या एक इंसान एक से अधिक YouTube चैनल बना सकता है। तो मीत, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो मैं आपको बता दूँ मीत की एक ईमेल आईडी से एक इंसान 2-3-4 YouTube चैनल बना सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा ये जो ऑफिशियल YouTube चैनल है उसके अलावा भी एक टेक टीचर करके YouTube चैनल है और एक दूसरा भी मैंने बना रखा है। तो आप एक ईमेल आईडी से अलग अलग YouTube चैनल बना सकते हैं। सपोज करिए कि आप कहीं टेक के वीडियो बना रहे हैं, कहीं ब्लॉग बना रहे हैं और कभी एजुकेशन के वीडियो बना रहे हैं। आपको एजुकेशन के वीडियो डालने के लिए अलग चैनल चाहिएगा, टेक के वीडियो डालने के लिए टेक का अलग चैनल चाहिएगा। एक ही चैनल पे तो आप सारी चीज़ें कर नहीं सकते। तो आप आराम से अपनी एक ईमेल आईडी है उससे आप 2-3 अलग अलग यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या एक एडसेंस अकाउंट है उससे एक से ज़्यादा यूट्यूब चैनल जो हैं वो जुड़े जा सकते हैं। तो जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक एडसेंस अकाउंट है तो आप उससे 2-3 यूट्यूब चैनल लिंक कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप एक एडसेंस अकाउंट से एक यूट्यूब चैनल ही लिंक करें, क्योंकि सपोज़ करें कि इन वैलिड क्लिक के चलते अगर आपका डिसेबल हो गया तो आपका एक ही यूट्यूब चैनल की अर्निंग है वो बंद हो जाएगी। लेकिन अगर सपोज़ करो कि 3-4 आपने यूट्यूब चैनल एक एडसेंस से लिंक कर दिए हैं और अगर इन वैलिड क्लिक के चलते अगर आपका एडसेंस डिसेबल हो गया तो फिर आपके 4 के 4 YouTube चैनल हैं, 3 YouTube चैनल हैं, उनकी सारी की सारी अर्निंग जो है वो बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार मीत और प्रकल आपको हैप्पी धनतेरस और हैप्पी दिवाली कहना चाहते हैं, तो मीत बोलिए हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस। प्रकल्प आप भी बोलिए हैप्पी दिवाली हैप्पी धनतेरस। प्रकल्प को बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं बोल देता हूँ इन सब की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं और धनतेरस। आशा करता हूँ कि भगवान आपको इस दिवाली बहुत सारी खुशियाँ दें और आपकी सारे मनोकामनाएँ पूर्ण करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।